जय तो भारतम। साथियों, आप सभी का स्वागत है। और पिछले कुछ समय से एक सिलसिला हमने जय तो भारतम पर शुरू किया है, वरिष्ठ साहित्यकारों का और दूसरे उन महान लोगों का जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। और उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जो बड़े साहित्यकार हैं उनको आपसे रूबरू करवाने से पहले मैं उनके परिचय में उन्हीं की एक गजल का शेर पढ़ रहा हूं। तेरी महफिल भी खूबसूरत है, उसका हासिल भी खूबसूरत है, आपसे मिलके यूं लगा मुझको आपका दिल भी खूबसूरत है। जी हाँ, मेरी मुराद है गुलशन मदान जी से। गुलशन मदान जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया दिनेश शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जी तो मदान साहब, सबसे पहले तो अपनी ओर से और मैं अपने चैनल के दर्शकों की ओर से आपको साहित्य अकादमी से प्राप्त होने वाले सम्मान के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। शुक्रिया दिनेश जी, इसके लिए मैं विशेष तौर से हरियाणा साहित्य अकादमी और साहित्य सभा कैथल, जहाँ मैंने लिखना सीखा पढ़ना सीखा, अपने गुरुजनों डॉक्टर राणा गणोरी, अमृत लाल मदान, कमलेश शर्मा जी जैसे लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिनसे मैं सब कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला। जी मदान साहब, कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि में, जैसे किसी बड़े पेड़ के लिए मजबूत जड़ होना जरूरी है, इसी तरह से किसी भी व्यक्तित्व में उसके परिवार का बड़ा योगदान होता है। तो कहीं ना कहीं आपके चाहने वाले ये जरूर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मदान साहब की परवरिश कैसी थी, परिवार कैसा था, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी। हमारे दर्शकों को इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जहाँ तक पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रश्न है, मैं दो बहन दो भाइयों में से तीसरे स्थान पर हूँ। बड़ी बहन बड़े भाई, मैं और मेरी छोटी बहन है। तो जैसा कि उस वक्त समाज में थोड़ा सा प्रचलन था, मेरे पिताजी व्यवसायी थे और माताजी पंजाबी गुरबाणी का बहुत शौक था उन्हें। पिताजी उर्दू जानते थे, संभवतः इसलिए उन्होंने मेरा नाम गुलशन रखा, जो उर्दू का एक शब्द है। और माता को संगीत का बहुत शौक था, वे पंजाबी गीत अक्सर रेडियो पर मुझे सुनाते थे, खुद भी गुनगुनाते थे, गुरबाणी भी गाती थी और भजन वगैरह भी। और मुझे भी वहीं से रेडियो पर गाने सुनने का एक शौक पैदा हुआ, जिसके अर्थों को लेकर मैं बड़ा ध्यानपूर्वक सुनता था, उसका अर्थ जानता था, गीत में क्या कहा गया है। उस वक्त समाज की व्यवस्था में भले ही लड़कियों को ज्यादा महत्ता दी जाती थी, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं था, क्योंकि तो मेरी बहनें भी अच्छी परवरिश पाकर अच्छी पढ़ाई करके जॉब करती रहीं और हम लोग भी हम चारों ही अच्छे पढ़े लिखे रहे। अपने अगर मैं परिवार की बात करूं, आस पास मेरे चाचा ताया या दूसरे परिवार के रिश्तेदारों में हम लोग सबसे पहले अपने अग्रसर होकर पढ़ने वाले लोगों में से, इसका श्रेय मैं अपनी माँ को विशेष तौर से देता हूँ। जी तो मदान साहब, ये तो परिवार की बात रही, बिल्कुल आपके परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहा और निसंदेह उसी परवरिश का प्रभाव है कि आप स्वयं और आपका पूरा परिवार वर्तमान में जिस मुकाम पर है, तो वो परवरिश का असर है। बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति को बनाने में समाज का भी बड़ा योगदान होता है, और तत्कालीन समाज में और आज के समाज में बड़ा अंतर आ गया है। तो अगर तत्कालीन समाज की परिस्थितियों की मैं बात आपसे करूं, तो उस समय समाज कैसा था आज के बनिस्बत? नहीं, बिल्कुल बात ठीक है आपकी। सामाजिक प्रभाव तो व्यक्ति पर पड़ता ही है, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों में कोई ऐसा ज्यादा विद्वेष वगैरह कुछ नहीं था। हम लोग सब मिलजुल कर रहते थे, कुछ रिश्तेदार भी आस पास के घरों में हम लोग रहते थे। उन दिनों में सबसे प्रेम भाव सा था। लेकिन उस हिसाब से जैसे जैसे हम पढ़ते गए, कॉलेज में मित्र मिले, अच्छे मित्र मिले, कुछ साहित्य अभिरुचियों के भी मिले, ऐसे यारी दोस्ती वाले जैसे कॉलेज स्कूलों में होते हैं वैसे अक्सर रूटीन में मिले। लेकिन मुझे वहाँ कुछ अच्छे प्राध्यापक मिले जिन्हें साहित्य अभिरुचि थी, उनका साहित्य वो क्लास में भी अगर कोई शेर कहते थे अपना कहा हुआ, हमें बड़ा प्रभावित करता था। तो मुझे इस बात ने प्रभावित किया कि आम बात को अगर शायरी में या किसी कविता में कहा जाए तो कितना प्रभाव छोड़ती है। तो इसमें मैं विशेष तौर से डॉक्टर राणा गंगोरी जी और अमृत लाल मदान जी और डॉक्टर भगवान दास नमोई जी का जिक्र करना चाहूंगा, जिनसे मैं पढ़ा हूँ।
और उनकी रचनाएं मैंने निरंतर क्लास में भी सुनी है, यहाँ से मुझे एक लिखने की प्रेरणा भी है। जी, तो मदान साहब, पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पृष्ठभूमि दोनों मिलकर के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, आप कितना सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल बात ठीक है आपकी। जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, जिस माहौल में हम लोग चलते फिरते हैं, या जो बातें हमारे सामने आती हैं, जो घटनाएं हमें आती हैं, हम उन्हीं का जिक्र करते हैं, उन्हीं को हम अपनी भले आप लेखनी में कहें या अपने जीवन में कहें, अगर हम मिठास हमें प्यार मिलता है तो हम लोग प्यार बांटते हैं, हमें कटुता मिलती है तो हम कटुता बांटते हैं। ये चीजें बहुत काउंट करती हैं जिंदगी में। इसके इसमें कोई शक नहीं कि पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पृष्ठभूमि दोनों व्यक्ति पर विशेष प्रभाव छोड़ती। तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव इसका मानते हैं आप? मैं जैसा कि बताया मैंने, जैसे मुझे लोग मिले कुछ सत्याभिरुचियों के, और कुछ जैसे घर में माहौल था गाने वाने का, सुनने का, गाने गाते कोई नहीं था लेकिन हम लोग गाना सुनने के बहुत शौकीन थे, तो उन चीजों का प्रभाव पड़ा मुझ पर भी, और पढ़ने का विशेष तौर से, जैसे पेरेंट्स का स्पेशल जोर रहता था, उनका आग्रह रहता था कि पढ़ाई लिखाई करें, हम लोगों ने मतलब उस जमानों उस वक्तों में पढ़ाई करके हम लोग सही समय पर सही नौकरियों में स्थापित हो गए। जी, मदन साहब, कोई ऐसी घटना आपको याद आ रही हो जिसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी, आपको लगा कि ये एक टर्निंग पॉइंट है जिसने जीवन को बदल दिया, कोई ऐसी घटना? हाँ, मैं एक्चुअली मैट्रिक का मेरा रिजल्ट आया तो दिनेश आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरी थर्ड क्लास आई, 48% मार्क्स थे मेरे। तब मेरे मैंने एक पल को एकदम ये सोचा कि थर्ड क्लास की डिग्री को लेकर मैं जीवन में क्या करूंगा। पिताजी मेरे गांव में व्यवसाय करते थे, घर में कोई ज्यादा हम भले आर्थिक तंगी से जूझ नहीं रहे थे लेकिन कोई ऐसे सर्व संपन्न भी नहीं थे। तो मैंने जब सोचा कि इस डिग्री को लेकर मैं जीवन में क्या करूंगा, तो मुझे बड़ा एकदम बड़ा पश्चाताप हो गया कि मुझे पढ़ना चाहिए। बस वो दिन था कि आप मानेंगे नहीं, मैं 11th में जब स्कूल में हायर सेकेंडरी में गया, मैंने स्कूल टॉप किया, ग्रेजुएशन में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, सारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो लगभग आधा हरियाणा है, उसमें मैंने फर्स्ट अमंग बॉयज बीए की डिग्री हासिल की। ये उस घटना ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि मैं अगर ऐसी स्थिति में रहा तो मैं क्या करूंगा। उससे मुझे पढ़ने की विशेष तौर से प्रेरणा प्राप्त हुई। जी, तो मदान साहब, ये तो आपके परिवार की और आपके जीवन की एक अलग सी थोड़ी सी बात रही जो दर्शक जानना भी चाहते हैं और पता होना भी चाहिए उनको। यही एक प्रश्न हमारा बनता है कि क्योंकि जो आपके चाहने वाले हैं वो जानना चाहते हैं मदान साहब की पसंद क्या है, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या पीना पसंद करते हैं, कैसा व्यवहार उनको पसंद है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। बस मैं तो कहा करता हूँ, खाने में खीर और पीने में नीर, ये दो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। पानी पानी का बड़ा प्रयोग करता हूँ, पीना बहुत अच्छा लगता है पानी मुझे, और बाकी तो खाना सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन खीर मुझे विशेष तौर से, आप लोग तो खीर से वाकिफ अच्छी तरह होंगे, कितनी स्वादिष्ट और कितनी आनंददायक होती है, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। जी, अच्छा मदान साहब, आपने हिंदी में लिखा, ज्यादातर जितना अभी आपका लेखन है वो हिंदी का है, तो उसके पीछे कोई कारण रहा कि क्यों आपने हिंदी में लिखना पसंद किया, या कोई हरियाणवी में भी आपको अच्छी हरियाणवी आती बेसिकली है तो हिंदी में लिखने की कोई वजह आप बताएंगे? मैंने जब ग्रेजुएशन की वो हिंदी सब्जेक्ट से की, हिंदी और संस्कृत से की मैंने, इसलिए डॉक्टर अनाथ गंदौरी और भगवान तिरुमोई जी और जिनसे सानिध्य मिला मुझे, मैंने कॉलेज में संस्कृत प्ले भी किए, तो मुझे हिंदी और संस्कृत का विशेष में जब रुचि थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो जब भी मैंने कभी साहित्य पढ़ा या साहित्य लिखा तो मैं इसी भाषा का मुझे चयन किया, तो मुझे लगा कि मेरी इस पर ठीक ठाक कमांड है। और मैंने जब अपनी रचनाएं मैं पढ़ता हूँ हिंदी में या संस्कृत में भी मैंने कुछ बातें की थी, तो वो अच्छी लगी मुझे, उस भाषा जी पर विशेष तौर से कमांड होने के लिए मैंने उसी भाषा। जी तो मदान साहब, जितना लेखन कार्य आपने किया है, अगर उसके संबंध में एक प्रश्न आपसे किया जाए कि आपके लेखन का मूल विषय क्या रहा, किस विषय को लेकर के आपने अपनी रचनाओं में बात की है, तो क्या बताएंगे?
वैसे मेरा रचनाओं का मूल विषय तो सामाजिक ही रहा है। मैं आपको देश जी, हाँ, एक बात बताऊं, मैंने जब पहली रचना या पहली गजलें मैंने कही शुरू शुरू में 1984 के दौरान, जब हिंदू सिख दंगे हमारे यहाँ पड़ते हुए थे और कहीं दरबार से फाड़ा जाता था, कहीं गुरुद्वारे में वो होता था, कहीं हत्याएं होती थी, मुझे उन बातों ने बहुत कचोटा। और मेरा पहला गजल संग्रह जो धूप का इश्तिहार है वो सब इन्हीं घटनाओं से प्रेरित है और इन्हीं के शेर हैं। उसमें मैं एक शेर विशेष तौर से उद्धृत करना चाहूंगा। तो मेरा एक शेर था, जब मैंने ये दंगे देखे, मैंने आंखों आंखों देखी बातें भी थी, मैंने कहा मैं भंगड़े की ताल को क्यों लकवे ने मार डाला, भंगड़े की ताल को क्यों लकवे ने मार डाला, क्यों खो गए सुहाने मंजर में पूछता। ये उन दिनों की बातें हैं जब लोग बड़े दंगे हुआ करते थे, वो बातें हुई। उसके बाद जब जीवन में प्रेम मिला, प्यार मिला, शादी हुई 85 के दौरान, तो मेरा दूसरा संग्रह वो प्यार भरी गजलों का है। उन दिनों उसमें काफी गजलें प्यार की मिलती हर पल की मिली है, तो उस विषय जो हम लोग भोग रहे होते हैं उसका तो बहुत प्रभाव पड़ता है। और मैंने गजल को विशेष तौर से इसलिए चुना कि मुझे गजल के शेर सुनते हुए बहुत अच्छा लगता था। जब कभी शायरी पढ़ी मैंने, सुनी, तो बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लोग मिले जो शायरी पसंद थे, ऐसी संस्था मिली साहित्य सभा कैथल जहाँ साहित्य का सम्मान और साहित्य सीखने का मौका मिलता था। इन चीजों के कारण, प्रभाव के कारण मुझे लिखना शुरू भी किया। जी, तो मदान साहब, साहित्य के लिए और बातें भी हम करेंगे, पर अब मैं चाहता हूं आप हमारे दर्शकों को अपनी वो एक आपकी एक बेहतरीन कविता, मैंने सुनी है हास्य कविता, जिस कविता का जो सच है वो आपने अपनी टोपी के नीचे छुपा रखा है, हाँ बिल्कुल तो वो बिल्कुल, कविता हो जाए, फिर आगे की बात हम करेंगे। आप ये देखेंगे उस कविता को लिखने से पहले मैंने उसके ऊपर एक हास्य लेख लिखा था, जिसमें मैंने एक लाइन लिखी थी कि मेरे सिर पर बालों को देखते हुए, यानी मेरे सिर पर बालों को ना देखते हुए मुझे मेरे एक टीचर ने, जो तो निदेशक भी थे ड्रामा के, उन्होंने मुझे पंडित का रोल दिया। अब इतने सालों बाद आप दिनेश जी, आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने पीछे अभी हाल ही में 3-4 सीरियल्स में काम किया है, और वो सिर्फ मुझे मेरे सिर के बालों को ना देखते हुए मुझे पंडित का रोल मिला और बहुत लोगों द्वारा सराहा गया है। तो वो हास्य कविता मैंने जी बाद जी में तब लिखी जब मेरे भारतीय स्टेट बैंक ने एक हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया और मुझे वहां उन्होंने स्टेज कंडक्ट करने के लिए कहा, तब मुझे वो कविता अपना मैंने कही। तो उसके बस मैं आपको दो तीन बातें सुनाता हूँ। जैसे दो बातें, एक तो था कुछ मत पूछो अपना हाल, कुदरत ने भी किया कमाल, दिल पर रखा भारी बोझ, सिर पर हल्के हल्के बाल। और जब कॉलेज पढ़ते थे उस वक्त का हाल देखिए, उम्मीदों की मंजिल रह गई, आंख से अश्रु धारा बह गई, अपनी भी क्या इज्जत रह गई, क्लास की लड़की अंकल कह गई, उम्र भी थी 21 साल, कुछ मत पूछो अपना हाल, अपनी भी फिर शादी हो गई, बात अलग आजादी खो गई, घर में मचता रोज बवाल, बचे खुचे भी उड़ गए बाल, बचे खुचे भी उड़ गए बाल। जी, तो आप संकोच करके आपने पूरी कविता हमारे दर्शकों को नहीं सुनाई। तो एक अंतरा और था उसमें, एक पैरा और है उसे, वो था जैसे मैं दूसरा पैरा बता रहा था, मैं शादी की फिर चिंता हो गई, एक लड़की की रहमत हो गई, अपनी भी फिर शादी हो गई, बात अलग आजादी खो गई, घर में मचता रोज बवाल, बचे खुचे भी उड़ गए बाल। और दोस्त मुझे समझाते हैं अब, दिल मेरा बहलाते हैं अब, रोज यही समझाते हैं अब, दौलत होगी माला माल, दौलत होगी माला माल, अपना भी था यही ख्याल, बीते पर 45 साल, अपना है वैसा ही हाल, दिल पर बढ़ता बढ़ता बोझ, सिर पर घटते घटते। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आपने जो विषय सामाजिकता की बात आपने की, तो अपनी रचनाओं में सामाजिकता को आपने विषय बनाया, क्या इसके पीछे कोई विशेष प्रेरणा रही या कोई कारण रहा? नहीं, बस जब किसी घटना को देखा तो दिल को छू गई, घटना को सिर्फ घटना नहीं समझा उसको, उसका मर्म जाना, तब थोड़ा संवेदनात्मक दिल भी था, जैसे संवेदनशील
शायरी का शौक भी हुआ था, उन दिनों लिखना सीखा था। तो वो मुझे लगा कि यह बात अगर मैं अपनी शायरी के माध्यम से लोगों तक रखूँ तो शायद उन्हें ये बात समझ आएगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, फिल्मी वगैरह जो है नहीं, अच्छे रास्ते पर जाना चाहिए। फिर इसलिए सारी सामाजिक आपको बड़ी साफ सुथरी उपदेशात्मक भी जैसे हम कुछ हद तक कह सकते हैं, ऐसी रचनाएं भी रही है। जी, तो मदान साहब, हर व्यक्ति का जब भी कोई वो काम करता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य रहते हैं और एक लक्ष्य रहता है। तो इसी तरह से किसी भी साहित्यकार के लिए, जहां तक मैं समझता हूँ, कुछ उद्देश्य और लक्ष्य रहता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कितना सफल स्वयं को मानते हैं और क्या आपके लक्ष्य उद्देश्य रहे? मेरे ख्याल किसी खास मकसद या उद्देश्य को लेकर हम लोग साहित्य शुरू नहीं करते। जब आदमी साहित्य लिखना शुरू करता है तो एक मन की प्रेरणा, अंदर से प्रेरणा जागृत होती है कि हमें कुछ कहना चाहिए, लिखना चाहिए, भले ही हम लेख लिख के। मैं मानता हूँ कि हर इंसान जीवन में एक बार डायरी जरूर लिखता है, चाहे एक पन्ना लिखे, 2 बार लिखे, 3 बार लिखे। वो डायरी लिखना भी जो है अपने विचार उद्धृत करना, अपने विचार वहाँ नोट करना, वो भी एक लेखन है। तो लेखन हर कोई शुरू करता है, उसका कोई खास उद्देश्य नहीं होता। लेकिन हाँ, लेकिन जब जब हम लोग रचना कहना सीखते हैं या रचना हम देखते हैं, लोग रचनाकार का सम्मान है या साहित्यकार का सम्मान होता है, एक अलग विधा है या अलग एक पर्सनैलिटी उभर के आती है, हमें दूसरों से अलग खड़ा करती है। साहित्यकार होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ, हम अगर हम हमें कोई आर्ट है, कहीं भी किसी तरह की आर्ट भी है, तो हमें वो आम आदमी से अलग खड़ा होकर खड़ा होने की वो देती है, दिखने अलग दिखने की एक वो अलग होती है, जिससे जी मैं जी समझता हूँ कि हमें ऐसे अलग से दिखना चाहिए समाज में, बिल्कुल भीड़ की तरह नहीं चलना चाहिए। जी मदान साहब, आपने बड़ा विस्तृत काम किया है साहित्य में, और हम चाहते हैं कि आप स्वयं ये बताएं कि जैसे अनेक गजल संग्रह आपके आए, उपन्यास आए हैं, लघु कथाओं पर आपने काम किया है, तो आप एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि साहित्य में आपका क्या-क्या योगदान रहा। साहित्य में मेरी 20 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इसमें शुरू के 4 गजल संग्रह थे, फिर एक कहानी संग्रह आया, फिर 2 गजल संग्रह आए, फिर एक कहानी संग्रह, फिर उपन्यास, लघु कथा संग्रह, दोहा संग्रह, बाल कविता, हास्य लेख, और 2 अनुवाद भी किए। एक स्कंद पुराण के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद में गुरु महिमा का वर्णन है, लगभग 214 श्लोक हैं। उनका हिंदी में रूपांतरण, हिंदी कविता में रूपांतरण किया, छोटी सी पुस्तक में भी एक प्रकाशित किया गया। और इसके साथ बुल्ले शाह की काफियां, ये दोनों रूपांतरण विशेष तौर से सुरेश जांगड़े उदय स्मृति प्रकाशन ने प्रकाशित किए। उनके आग्रह पर मैंने बुल्ले शाह की काफियों का भी, पंजाबी काफियों का हिंदी कविताओं में उसी लय में वही ख्याल रखते हुए वही लिखा, जो आजकल मैं मुंबई में रहता हूँ तो लोगों को बहुत पसंद आता है। जिन्हें पंजाबी समझ नहीं आती वो लोग हिंदी पढ़कर बुल्ले शाह के उन ख्यालों का आनंद उठाते हैं। तो ये जी चीजें बहुत 20 पुस्तकें की हुई, लेकिन हाल ही में मुझे अच्छा लगा, मैंने एक पहली बार ई बुक एक मेरी अमेजोन पे आई है अभी, गुलदान नाम से, अभी 1 हफ्ता पहले ही वो वहाँ डिस्प्ले की गई है। जी तो मदान साहब, बात साहित्य की चल रही है, और जैसा आपने जिक्र किया अभी, और मैं सुन भी रहा था, मैंने पढ़ा भी है, गजलों के ऊपर आपका बड़ा विस्तृत काम है। अगर एक विधा की मैं बात करूं, तो गजल एक ऐसी विधा है जिसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा काम किया, अच्छा काम किया है, प्रशंसनीय काम किया है। पर वर्तमान परिदृश्य में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गजल का जो वर्तमान स्थिति है वो अच्छी नहीं है, पर फिर भी एक बतौर गजलकार आप क्या भविष्य गजल का देखते हैं? नहीं, गजल एक ऐसी विधा है, इसके हम लोग अगर 2 लाइनें भी कहीं उद्धृत करते हैं तो अपने आप में मुकम्मल बात होती है। तो इसका एक मैं कहता हूँ, कभी ये इसकी महत्ता कम होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं कि बाकी विधाओं की महत्ता नहीं है, लेकिन गजल की जैसी महत्ता थी पहले, बीच के कुछ ऐसा दौर था कि इसका तो बहुत ज्यादा महत्व हो गया था। लोग हर रेडियो पर, टीवी पर गजलें सुना करते थे, कैसे बाजार में बेहद कैसेट्स आया करते थे। अब भले ही पहले से थोड़ा गजलों का रुझान कम है, लेकिन लोग पढ़ने लिखने वाले अब भी गजल को बड़े चाव से पढ़ते हैं, और बड़े चाव से, आप अगर आप कहीं मंच संचालन कर रहे हैं या किसी फैमिली फंक्शन में या कोई सोसाइटी फंक्शन में खड़े हैं और 2-4 शेर कह देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उन्हें। उसकी आज भी मैं समझता हूँ कि पूरी बहता है। जी, तो मदन साहब, कोई विशेष उपलब्धि या कोई ऐसी घटना
जो आपको आह्लादित करती हो, प्रसन्न करती हो, हमेशा याद रहती हो, हमारे हाँ, दर्शकों के साथ मुझे साझा कीजिए। एक घटना बहुत याद रहती है। हम लोग पुरी में घूमने गए हुए थे, हम उड़ीसा भुवनेश्वर पुरी पुरी वगैरह में थे, पुरी के मंदिर में थे। तो मुझे घर से फोन आया, उन दिनों मोबाइल नहीं हुआ करते थे, भाई का फोन आया, भाई मेरे दिया, उनका फोन आया कि मुंबई से भूपेंद्र मिताली जी का फोन आया है कि वो मेरी गजल रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सपना सपना था, एक बहुत बड़ा, कि मैं जब भी कभी गजल कहता था और गजलें टीवी पर सुनता था, मन होता था कि काश ऐसी एक गजल मेरी भी टीवी पर गाई जाए या किसी द्वारा गाई जाए, कोई गाए मेरी। हालांकि मेरे मित्रों ने, मेरे जब मैं पढ़ता था या जब मैं सर्विस करता था, मेरे दोस्तों यारों ने आकाशवाणी पर भी, आकाशवाणी के कलाकारों ने कई गजलें गाई, लेकिन वो एक राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मन होता था। जब भूपेंद्र मिताली जी का फोन आया, वो भाई साहब को मैं तो था नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के बताऊंगा। जब भैया का मुझे फोन आया, मन बड़ा हर्षित हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, जैसे एक बहुत बड़ा सपना मेरा पूरा होने जा रहा था। मैंने उन्हें वहीं स्वीकृति दी और मैंने खुद फिर भूपेंद्र मिताली जी को फोन कर मैंने कहा कि मैं बाहर हूँ, मेरी तरफ से स्वीकृति, आप इसे गा सकते हैं। उन्होंने परमिशन मांगी थी, उन्होंने कहा कि हम गजल जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप हमें राइटिंग में परमिशन भेजिएगा। और जब वह गजल मार्केट में आई, मुझे और खुशी हुई, क्योंकि उस गजल का जो शीर्षक था वो भी मेरी गजल थी, तू साथ चल नाम से आया था, यूनिवर्सल कंपनी जी जी बिल्कुल में बिल्कुल लागू किया था। और उसका एक खास तौर से एक बात कहूंगा, उसका एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया गया, जिसे लगभग कई सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाता था। जी जी मदान साहब, वो गजल आप सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, अच्छा लगेगा। हाँ, वो गजल है। वैसे आजकल मैं आपको बता दूं, वो YouTube पर भी उपलब्ध है, अगर आप तू साथ चल शब्द डालेंगे तो YouTube पर मिल जाएगी आपको। और मैं आपको उसके शेर सुनाता हूँ। बन के मेरा हम कदम तू साथ चल, बन के मेरा हम कदम तू साथ चल, कुछ तो हो तन्हाई कम तू साथ चल, और यूं तो कितने ही हैं हम राही मगर, यूं तो कितने ही हैं हम राही मगर, है सफर में दोस्त कम तू साथ चल, और ये सफर जन्मों से लंबा है अगर, ये सफर जन्मों से लंबा है अगर, आरजू है हर जन्म तू साथ चल, आरजू है हर जन्म तू साथ चल। इसके जी बाद बहुत ही मैं खूब, आपको एक शेर और सुनाना चाहूंगा, एक गजल जो दूसरी उन्होंने गाई थी, अगले ही वर्ष जी जी उन्होंने एक और एल्बम में गाया, उसका भी मतलब मैं आपको सुनाना चाहूंगा। होता है कि सात सुरों का जो सरगम से रिश्ता है, कुछ ऐसा ही तेरा हमसे रिश्ता है, और तेरा मेरा पल दो पल का साथ नहीं, तेरा मेरा जन्म जन्म से रिश्ता है। ये दो गजलें बहुत भूपेंद्र खूब बहुत मिताली खूब जी ने गाई, जी, और बहुत बढ़िया। अभी हाल ही में टी सीरीज से एक मेरी गजल और आई है, वो साधना सरगम जी ने गाई है, फिल्म सिंगर हैं, उन्होंने जी गजल जी गाई है। मुझे जब कभी कोई पैगाम लिखना, बस एक इल्तिजा है कि बेनाम लिखना, खुदा इन लकीरों में लिखे ना लिखे, हथेली पेपर तुम मेरा नाम लिखना, और सुना है तुम्हारी वफा बिक रही है, ये सच है अगर नाम लिखना सच है। जी तो मदान साहब, यहाँ एक प्रश्न वाजिब बनता है और कहीं ना कहीं समाज में लोगों के दिमाग में भी रहता है, और खासतौर से जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में लोग कई बार सोचते हैं कि लेखन को क्या माना जाए, लेखन वरदान है या फिर मेहनत से किया जाने वाला कोई कार्य माना जा सकता है इसको। लेखन वाकई एक मैं वरदान मानता हूं मैं, क्योंकि जब पहली बार आदमी लिखना सीखता है या लिखने की प्रेरणा होती है वो उन्हीं की कृपा से होती है। ऐसे हम लोग सिर्फ प्रयास करने से हम लिख नहीं सकते, अगर हम सिर्फ प्रयास करने से लोग होते तो जो लोग लगातार पढ़ते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, वो बहुत बड़े कवि होते। लेकिन एक मन की भावना है, हमसे कैसे शब्दों में ढालते हैं, किस तरीके से महसूसते हैं, क्या कहते हैं, तो वो बातें सब अगर हम देखें तो लेखन एक कुदरत का वरदान ही है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा, कैसी जी जी बिल्कुल बिल्कुल कैसी है, कैसी कैसी हैं खूबियां उसकी, फूल उसके हैं तितलियां उसकी,
भी उसके हैं, सुख भी हैं उसके, नीम उसकी, निबोलियां उसकी। यहाँ एक शेर कह रहा हूं, जब भी लिखता हूं मुझको लगता है, जब भी लिखता हूं मुझको लगता है हाथ मेरे हैं उंगलियां उसकी। तो ये बहुत बड़ी, वाकई बहुत बड़ी। कुदरत का करिश्मा कहिए या प्रेरणा कहिए कुदरत की, ऐसा तभी संभव हो सकता है। जी जी अब फिर बाद में हम अच्छा लोग प्रयास करके उसे सुधारने की गुंजाइश बहुत रहती है उसमें, ऐसा भी है, लेकिन मूलतः जी प्रेरणा वह कुदरत की है। जी तो मदान साहब, आपने समाज के लिए लिखा, अगर हम मतलब सर्व हिताय या स्वान सुखाय की बात करें कि आपने कैसा लिखा, तो अभी हमारी बातचीत चल रही थी कि आपने समाज के लिए लिखा, सामाजिकता के ऊपर लिखा, तो इसके ऊपर कुछ विशेष कहना चाहेंगे? हाँ नहीं, कई मेरी रचनाएं या कई ख्याल इस टाइप के ऐसे हैं कि अगर कोई, जैसे हम लोग कहीं बस सत्संग सुनते हैं, लोग कहानी किसी की विचार सुनते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है। तो कुछ अपने शेर मैं अपने ऐसे समझता हूँ कि अगर कोई हमें पढ़े जाए, कहीं पढ़े जाते हैं तो हमें, मैं खुद को ही अपने आप को बड़ी प्रेरणा पाता हूँ ऐसे ख्यालों से। जैसे एक मेरा शेर है, कि जिंदगी में गम अगर आया नहीं, जिंदगी में गम अगर आया नहीं, समझो जीने का हुनर आया नहीं। मैं समझता हूँ इसमें जी दुख और सुख दोनों जरूरी हैं, और अगर हमें दुख नहीं मिले तो हमें जीने का हुनर नहीं आया। ये हमें सीख जिंदगी से सीखना चाहिए। और मोहब्बत की बातें हैं तो हम ऐसा भी कहते हैं भाई, जी आसमां तो आसमां के स्वर्ग से इनकार कर, इस धरा के सत्य को स्वीकार कर, और हर किसी के गम से कर ले दोस्ती, हर किसी के आंसुओं से प्यार कर। ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम लोग पढ़ते हैं तो हमें मन अच्छा लगता है और मन करता है कि हम ऐसा करें जैसा कहा गया है। भले ही हम, मैंने प्यार जी जी की जी गजलें भी लिखी हैं, लेकिन ये मूल उद्देश्य मेरा ये है कि अच्छी बात एक समाज तक पहुंचनी चाहिए। जी तो जो अभी आपने बताया, आप कितना स्वयं को सफल मानते हैं, समाज तक आप कितना पहुंच पाए, अपनी बात कितने अच्छे से कह पाए, क्या आउटपुट आपको लगता है कि कितना सफल रहे? मैं ये समझता हूँ, कहा करते हैं कि अगर एक गजल हमारी कहीं कोठे तक पहुंच जाती है या कोई फकीर गाता है तो गजल कामयाब मानी जाती है। मैं अपनी गजल को भी कामयाब मानता हूँ, क्योंकि तो मेरी गजलें देश के नामी गिरामी गायकों ने भी, उन्होंने स्वर दिया है। और एक स्वामी विश्वास हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के ही, जो मेडिटेशन के बहुत बड़े गुरु हैं। आपको अच्छा लगेगा जानकर कि उन्होंने अपने सत्संग में एक मेरी गजल को पूरे सत्संग में उन्होंने गाया, और उसका पूरा व्याख्या करते हुए पूरा सत्संग किया, आधा घंटा की। एक मैंने उनकी कैसेट भी देखी जो हम सफर के नाम से है, मेरी गजल पर है और मेरे शेरपुर किए गए हैं। और उन्होंने अलग से वो मेरी गजल भी जैसे भजन की तरह सत्संग में गाई, उसका लोग भरपूर आनंद ले रहे हैं। उन्होंने उस गजल को ईश्वर के साथ जोड़कर बड़ा अच्छा प्रस्तुत किया। तो मैं समझता हूँ ये गजल की बहुत बड़ी कामयाबी है, हमारे साहित्य लेखन की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। जी तो मदान साहब, सामाजिकता की बात हम कर रहे हैं और मुझे याद पड़ रहा है एक आपकी बहुत बढ़िया समाज के परिवेश के ऊपर, समाज की परिस्थितियों के ऊपर एक बहुत अच्छी गजल है आपकी, किसी ऐसे पति को कोई पत्नी हाँ कुछ अपनी बातें कहती है, वो गजल हो जाए। हाँ एक गजल है मेरी, जो पत्नी पति को खत लिखती है। अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो एक फौजी की पत्नी फौजी को खत लिखती है। वो फौजी वहाँ अगर है और घर में ये पीछे है, तो कोई भी पत्नी जिसका पति बाहर ट्रांसफर है या बाहर रहता है, पत्नी अकेली रहती है, तो घर के साथ, घर के सब संघर्ष के साथ घर को चलाती है, उसकी एक व्याख्या है उसमें। मैं उसे प्रस्तुत करने कर रहा हूँ और जल्दी से प्रस्तुत करूंगा बिना किसी दोहराव के। खत लिखा खुश खत के साथ, लेकिन कुछ शिद्दत के साथ, कोई अच्छी खबर नहीं है, तुम पढ़ना हिम्मत के साथ, माँ की हालत भी पतली है, बापू की हालत के साथ, देवर दुख पड़ा रहता है, जाएगा इस लत के साथ, डिग्री तो लाया है बड़का, नौकरियां रिश्वत के साथ, छुटका अब रहता है हरदम आवारा दलपत के साथ, और मुनिया फर्स्ट रही बस्ती में। एक अच्छी खबर है, मुनिया फर्स्ट रही बस्ती में 88% के साथ, सोचूं इसकी शादी कर दूं, लड़का देख भगत के साथ, गली गली में खड़े लफंगे देख
बदनीयत के साथ, और गंगाराम ने ब्याह दी बेटी बूढ़े बदसूरत के साथ। रधिया कल कुएं में कूदी, रधिया कल कुएं में कूदी लुटी हुई इज्जत के साथ। आज इलेक्शन जीत गया फिर दुर्जन सिंह बहुमत के साथ। घर की हालत भी मत पूछो, जिंदा हूँ जिल्लत के साथ। सबके फसल बहा गई बारिश, कौन लड़े कुदरत के साथ। चंद दरारें दीवारों में, मुंह खोले हैं छत के साथ। और हाल पूछने कौन आएगा, सब रिश्ते दौलत के साथ। मैं तो मंदिर में लड़ाई पत्थर की मूरत के साथ। बिजली दूध किराने का बिल भेज रही हूँ खत के साथ। मर्द गया परदेश न जाने, क्या बीती दौलत के साथ। अब तो वापिस आ भी जाओ, अब तो वापिस आ भी जाओ, रोटी है उसके साथ, किस्मत के साथ। जी तो जी ये जी बहुत एक बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो छोटी बहर की अपने आप में अलग अलग ज्यादा शेरों की एक गजल है, जिसे बहुत सराहा गया, बहुत जी प्यार मिला। जी बहुत बढ़िया मदन साहब, आपके जो ऐसा जिन साहित्यकारों को आप पढ़ना पसंद करते हैं, आपके पसंदीदा साहित्यकार, उनके बारे में हमें बताइए। मैंने वैसे तो अपने गुरुजनों से सीखा, डॉक्टर अनंत गुरी का साहित्य और अमृतलाल मलान जी का साहित्य मैंने खूब पढ़ा। हम भगवान दास सिंह जी की कविताएं अपने सिलेबस में भी पढ़ा करते थे। और उसके अलावा मैं उदय बनहंस जी की रचनाएं काफी मैंने पढ़ी हैं। और बड़े शहर में अगर हम बात कहें तो मुझे बहुत प्रिय है नीरा फाजली और बशीर बद्र, डॉक्टर बशीर बद्र का साहित्य मैंने बहुत पढ़ा है। उनकी गजलें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, तो इन लोगों से प्रेरणा पाई है। वैसे मैंने डॉक्टर राहत इंदौरी, मनोहर राणा जैसे लोगों को भी पढ़ा है, और हिंदी में सुल्तानानंद पंत जैसे की रचनाएं भी हम लोग हिंदी में पढ़ते थे, लेकिन मेरा ज्यादा रुझान गजलकारों की ओर रहा। मदन साहब, अब एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्न है वर्तमान को देखते हुए, क्योंकि अब मेरी बात मदन साहब से मुंबई से हो रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि साहित्यकार से अभिनेता तक गुलशन मदान कैसे। मैं ये भी साहित्य का माध्यम, साहित्य मेरा माध्यम बना एक एक्टर बनने का भी। मैं यहाँ एक टीवी चैनल है कलर्स लाफिंग, वहाँ एक दूरदर्शन के लिए अपना एक कविता का पाठ करने के लिए गया था। एक मेरी कविता गूगल में वहाँ उन्होंने रिकॉर्ड करनी थी, तो पूरा स्टूडियो बनाकर लाइट्स वाइट्स के साथ उन्होंने रिकॉर्ड की। जब मैं गजल रिकॉर्ड कर रहा था तो उसके जो निदेशक थे वो मेरे पास आए, कहता सर आप एक्टिंग करते हैं? मैंने कभी नहीं की। कहता कभी क्यों? मैं कभी सस्ते प्ले किया था कॉलेज में। कहता हमारी एक शॉर्ट फिल्म है, आप उसके लिए, फादर के नाम से शॉर्ट फिल्म है और फादर डे पर रिलीज हो रही है, फादर का रोल है, आप प्लीज उसमें। तो हमें आपकी लुक अच्छी लग रही है, आप हमें सूट कर रही है हमारी स्टोरी के हिसाब से, आप प्लीज कीजिए। तो मैंने वहाँ स्वीकृति दे दी, क्योंकि तो जब मैं वहाँ अपने शहर से मुंबई आया था, मुझे याद है मेरे भाई प्रदीप भाई कमलेश शर्मा जी, उन्होंने मुझे विशेष तौर से कहा था गुलशन जी आप तो वहां जाकर एक्टर भी बन सकते हैं। तो मेरी वो बात मेरे जहन में एकदम आई, तो मैंने कहा चलो हम कर लें। लेकिन वो मैंने जब की तो बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों ने सराहा। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ ऑडिशंस ग्रुप हैं उनमें भी डाला, उसमें अलग अलग तरह के 4-5 सीरियल में मुझे रोल मिले, और एक मुझे एड भी मिली विज्ञापन के तौर पर, जो बेहद अच्छी बनी और टीवी चैनलों पर भी दिखाई जाती रही उसे। जी, तो इसका श्रेय भी विशेष तौर से मदान चरित्र को साहब, ही दे, जी जी तो इसका श्रेय भी मैं विशेष तौर से चरित्र को ही दे रहा हूँ। जी मदान साहब, वर्तमान में अगर साहित्य पर लौटते हैं, हम मुंबई से वापस फिल्मी दुनिया से साहित्य की बात करते हैं, और वर्तमान में जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, जमाना बदल रहा है, सारे तौर तरीके बदल रहे हैं, इन परिस्थितियों में आप क्या देखते हैं कि साहित्यकारों को स्वयं में अपनी शैली में काम करने के तरीकों में बदलाव कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी, है यहाँ मैं आपसे बहुत बड़ी बात साझा कर रहा हूँ। मैं वाकई जैसे हम लोग पहले साहित्य हम लोग किताबों में लिखते थे, तो लोग किताबें पढ़ते थे, अब किताबें पढ़ने का प्रचलन बहुत ज्यादा कम हो गया है। हाँ गोष्ठियों में या मुशायरों में फिर भी गजलें पढ़ी सुनी जाती रही हैं,
लेकिन किताबें पढ़ने का कल्चर बहुत कम हो गया है। किताब हम प्रकाशित करवाते हैं, किताब खरीद करवा तो लाइब्रेरी में पड़ी रहती है, और अगर हम देखते भी हैं तो कई सालों बाद एक आधा दिन एक शेर देख लिया, एक गजल देख ली, दो गजलें पढ़ ली, तो वो कल्चर नहीं है। निरंतर पढ़ने वाला कल्चर अब खत्म हो गया है। जैसे डिजिटल टाइम आ गया है, हम लोग मोबाइल पर या ये, तो हम लोग इसके माध्यम से हमें अपना बदलाव करना चाहिए। हम अपनी रचनाएं हम अगर व्हाट्सएप पर भी प्रकाशित करते हैं, लिखते हैं, तो वो भी कम से कम 100-200 लोगों द्वारा पढ़ी जाती है। मैं ये समझता हूँ हमारे ग्रुप में पढ़ी जाती है। 500 लोग हैं, 500 नहीं पढ़ेंगे तो 100-200 जरूर पढ़ेंगे उसे, अगर हम लिखते हैं तो। वो एक माध्यम है, इसी तरह फेसबुक पर माध्यम है, जो हमारे फेसबुक के फ्रेंड है उसमें से 10-20% वो लोग जरूर रचना पढ़ेंगे अगर एक अच्छा हम लिखते डालते हैं। ऐसे ही अब मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे मुझे किसी ने कहा कि आप अमेजन के लिए किताब लिखिए। मैंने अपने एक ही विषय को लेकर अलग अलग शेर, ऐसे कई विषयों को लेकर लगभग 60-70 विषयों को लेकर अपने ही शेर, सारे 5-5 शेर किए हैं, जो बड़े काम आने वाले हैं किसी संचालन के लिए भी या किसी उदाहरण के लिए भी। तो वो चीज मैंने अभी अमेजन पे डाली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो, क्योंकि तो लोग वहां पढ़ते हैं बैठे हुए। आज की जो नई पीढ़ी है वो विशेष तौर से डिजिटल ही यूज करते हैं, सारे किताबों की तरफ उनका जी कोई रुझान नहीं है। तो मदन साहब, बदलाव किस तरह के आप सुझाव देंगे, किस तरह के बदलाव अब हमें कर लेने चाहिए बतौर साहित्यकार, बतौर लेखक? हाँ, बस लिखना तो अच्छा है, ये लिखते रहिए, और लिखना है जो है, जो जो लोगों तक बात पहुंचाने का माध्यम है वो हमारा बदल गया है। हम भले ही किताब भी छुपाएं, लेकिन हमें अपनी वीडियोस के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर और इन चीज़ों के, इंस्टाग्राम, इन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हमें अपनी बात कहना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी बात लोगों तक पहुंच सके। जी, तो युवा साहित्यकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा साहित्यकारों के लिए विशेष तौर से ये कहना चाहूंगा कि हर छपी हुई रचना या हर कही हुई रचना अच्छी नहीं होती, या हर, हम गजल के बारे में विशेष तौर से कहूँ कि हर छपी हुई गजल गजल नहीं होती। गजल के बारे में आप उसका मूल जाने, कविता के बारे में जाने, कविता क्या है, और इस जानने के लिए सबसे बेहतर जरिया है आप सुने पढ़े। किताबों को पढ़ने का कल्चर भले ही कम हो गया है, लेकिन आप उसे अच्छी गजलों को जहां से भी मिले, अब टीवी पर, यूट्यूब पर इतनी गजलें प्रस्तुत है, रेखता के नाम से एक चैनल है, वहाँ आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, फेसबुक पर मिल जाएंगी अच्छी गजलें। आप पढ़ने सुनने के लिए प्रेरित रहें, तैयार रहें, और तभी आपको प्रेरणा मिलेगी। अच्छा लिखने के लिए जी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी तो मदान साहब, ये तो बात रही साहित्यकारों की, पर समाज के लिए या हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश अगर आपको इस समय वर्तमान में प्रासंगिक लगे या आप कुछ कहना चाहें? तो साहित्य के बारे में इतना कहना चाहूंगा, सहितेन से साहित्यम, जो दूसरों के हित के लिए लिखा गया वही साहित्य होना चाहिए। भले ही साहित्य की परिभाषा कुछ भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ अगर दूसरों के हित के लिए, समाज के हित के लिए अगर कोई बात लिखी गई है, कही गई है, तो वही साहित्य है, सब साहित्य वही है। हम फूहड़पन लिख कर या कुछ और बातें लिख कर हम समाज को अगर प्रेरित नहीं कर पाते हैं तो वो साहित्य किसी काम का नहीं है। अगर हम समाज को जागृत करने का काम करते हैं तो हमारा साहित्य लिखने का उद्देश्य वही होना चाहिए। जी मदान साहब, इससे पहले कि हम अपना ये कार्यक्रम समाप्त करें, मैं चाहता हूं आप अपनी कोई पसंदीदा रचना, कोई गजल हमारे दर्शकों को सुना दें। हम लोग जैसे गूगल के माध्यम से बात कर रहे हैं, मैं एक रचना गूगल की आपको सुनाना कहना चाहता हूँ। मैं दुनिया की शक्लो सूरत ढूंढ रहा हूं गूगल में, क्या है इंसानों की फितरत ढूंढ रहा हूं गूगल में, कभी निर्भया सड़कों पर तो कभी घरों में लुटती है, कभी निर्भया सड़कों पर तो कभी घरों में लुटती है, कब महफूज रहेगी औरत ढूंढ रहा हूं गूगल में, और हर दफ्तर में बाबू अफसर हाथ पसारे बैठे हैं, काम कहाँ होगा बिन रिश्वत ढूंढ रहा हूं गूगल में। शेर देखिए, बचपन भारी बस्ता लादे घूम रहा है ट्यूशन पर, बचपन भारी बस्ता लादे घूम रहा है ट्यूशन पर,
और मैं बच्चों की शोक शरारत ढूंढ रहा हूँ गूगल में, क्या कहती है हर मजहब की ये तहरीरें देखी तो, गुरवाणी चौपाई आयत ढूंढ रहा हूँ गूगल में, और कहते हैं हर शय का गूगल मोल भाव बतलाता है, कहते हैं हर शय का गूगल मोल भाव बतलाता है, प्यार वफा की क्या है कीमत ढूंढ रहा हूँ गूगल में, ढूंढ रहा हूँ गूगल। जी, और मैं एक गजल तो के दूसरी ओर बिल्कुल विशेष रूप बहुत से आपको बढ़िया। दो शेर और कहना चाहूंगा, एक गजल के मुझे जो अच्छी लगती है। मैं गम का भी समुंदर जानता हूँ, मैं खुशियों का भी मंजर जानता हूँ, मुझे मालूम है अंजाम सच का, जमाने के मैं तेवर जानता हूँ, मुझे तेरी वफा पर शक नहीं है, मुझे तेरी वफा पर शक नहीं है, मगर अपना मुकद्दर जानता हूँ, और कभी मुझको भुला सकते नहीं तुम, कभी मुझको भुला सकते नहीं तुम, मैं याद आने का जौहर जानता हूँ, और तुम्हें अपना बना लूंगा यकीनन, तुम्हें अपना बना लूंगा यकीनन, मोहब्बत का मैं मंत्र जानता हूँ, मोहब्बत का मैं मंत्र। जी, तो मदान साहब, आपको हमारी ओर से भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और आपने हमें समय दिया। मैं अपनी ओर से, अपने दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तेरी महफिल से जाते हैं मियाँ, अच्छा खुदा हाफिज, न जाने फिर मिलेंगे हम कहाँ, अच्छा खुदा हाफिज, और भले मीलों के लंबे रास्ते होंगे मगर तय है ना आएंगी दिलों में दूरियां, अच्छा खुदा हाफिज। शुक्रिया।